मॉर्निंग फ्रेंड्स, नवनीत हियर। मैं हरिद्वार से ही बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 25 इयर्स है और मैं आज QHT क्लिनिक हरिद्वार में आया हूँ अपने थर्ड PRP सेशन के लिए। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी इज 3 मंथ्स ओल्ड। मैं जुलाई के महीने में यहाँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया था और मुझे 3000 ग्राफ्स इम्प्लांट हुए थे वाय द QHT टेक्निक। एंड आप जैसा देख सकते हैं, 3 मंथ्स के बाद अब मेरी हेयर ग्रोथ बिगिन हो गई है। अभी मुझे हल्के हल्के ग्रोथ स्पर्ट्स आने लगे हैं, तो मैं अपना रूटीन चेकअप और PRP सेशन के लिए वापस आया हूँ। तो अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है विद QHT क्लिनिक, इट्स ऑसम। मैं जब से यहाँ आया और अब तक यहाँ पर जितने भी बार ट्रीटमेंट्स के लिए आया हूँ, तो हॉस्पिटैलिटी इज़ वन थिंग, हाइजीन ऑफ क्लिनिक इज़ वन थिंग, जो लोगों का बिहेवियर है वो भी बहुत अच्छा है और ट्रीटमेंट में मुझे कोई इशू नहीं आता है। मेरा पेन, मेरी केयर, हर चीज़ के लिए QHT क्लिनिक सबसे आगे खड़ा है। तो आई थैंक यू QHT एंड QHT टीम को कि उनने इतना बढ़िया ट्रीटमेंट मेरा किया और आफ्टर केयर में मेरे को इतना गाइड किया और इतना हेल्प किया। बिकॉज ऑफ दैट आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट्स विद QHT। तो मेरा जब ट्रांसप्लांट हुआ तो इमीडिएट उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग का एक चांस रहता है। अगर आप हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप हेड को नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, या फिर अगर आप पिलोज पे साइड में लेट रहे हैं, तो ग्राफ्ट डिसलॉज होने का चांस रहता है। तो पर्सनली मैंने सारे जितने भी प्रिकॉशंस हैं जो डॉक्टर्स ने मुझे प्रोवाइड किए, वो मैंने सारे फॉलोअप किए। और पहले कुछ 5 दिनों तक ये जो रीजन है, इस रीजन को हाथ से टच नहीं करना है और इस रीजन पे आपको सेलाइन का स्प्रे करना है, ना उसको हेड वॉश करना है, ना उस पर कोई प्रेशर लगाना है। आफ्टर 5 डेज आप नॉर्मल एक हेड वॉश कर सकते हैं, जो बेबी शैम्पू प्रिस्क्राइब किया जाता है उस शैम्पू से, और उसके बाद से आपका जो भी डॉक्टर्स बताते हैं वो रूटीन आपको फॉलोअप करना है, दैट्स इट। तो मुझे इनिशियल 5-6 डेज में कोई इशू ऐसा फील हुआ नहीं। एक माइल्ड हल्की सी स्वेलिंग रही थी, बट वो भी एक बैंडेज लगाते हैं फोरहेड पे इस रीजन में कि वो आपके आईज़ में और फेस में ना स्प्रेड हो, तो वो बैंडेज मैंने लगा के रखी हुई थी फॉर 5 डेज। तो मुझे कोई ज़्यादा इशू आया नहीं स्वेलिंग का। और पेन की जो बात है, तो पेन किलर्स भी दिए जाते हैं फर्स्ट 5 डेज के लिए, कि अगर आपको कोई पेन फील हो रहा है तो ही आपको वो पेन किलर्स लेने हैं, और रूटीन एंटीबायोटिक्स और नॉर्मल मेडिसिंस दी जाती हैं। और फॉर 1 मंथ आपको वही प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं जो डॉक्टर्स ने बताए, जैसे कि हेड वॉश करना है, स्पेशल शैम्पू रहेगा, उसके बाद 1 मंथ के बाद ये आपकी मेडिसिंस चालू होंगी, तब तक आपको और कोई मेडिसिंस नहीं रहती हैं। तो गाइस, अब मैं आज अपनी थर्ड PRP के लिए आया हूँ, तो आज मैं आप लोगों को अपनी PRP की जर्नी पे ले चलता हूँ। आपको दिखाते हैं कि हमारा PRP कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस रहते हैं। चलिए, सी यू देयर। थैंक यू QHT क्लिनिक। Now you can book a free online video consultation with our expert by clicking on the number given in the description. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।